एवरीवन, पूनम्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दही भल्ले ऐसा बनना चाहिए बिल्कुल नरम मुलायम, मुंह में जाते ही घुल जाए। तो आज हम बिना मेहनत किए मिनटों में मिक्सर में बैटर बनाएंगे और मिक्सर में ही बैटर को फेंट के फ्लफी बनाएंगे, जिसे भल्ले बलून की तरह फूल के रेडी होंगे। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ आसान तरीके से दही भल्ला बनाना शुरू करते हैं। एक कप उड़द डाल ली है, इसे बाउल में डाल देंगे। पानी डाल के 3 से 4 बार दाल को अच्छे से धो लेंगे। ये पानी निकाल देंगे और 3 बार इसे अच्छे से धोएंगे। दाल को अच्छे से धो लिया है, अभी हम इसमें पानी डाल देंगे। दाल अच्छे से डूब जाए और ऊपर 2 से 3 इंच पानी आए उतना पानी हमें डाल देना है। दाल को हमें 4 घंटे के लिए भिगो के रखना है, तो इसे हम 3 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे ही यानी के बाहर ही रखेंगे और फिर 1 घंटा इसे फ्रिज में रख देंगे। और फ्रिज में क्यों रखना है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे भीगने के लिए रख देंगे। दाल को मैंने 3 घंटा बाहर रखा और 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और दाल अच्छे से भीग गई है। ऐसे करेंगे तो दाल का दाना भी टूट रहा है, आप देख सकते हैं, और दाल एकदम ठंडी भी हो गई है। तो अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि दाल को हमें ठंडा करके क्यों लेना है। दाल को हमें मिक्सर जार में डाल के ग्राइंड करना है। इसे हम ग्राइंड करेंगे तो मिक्सर एकदम गर्म हो जाएगा और दाल को हमें मिक्सर में ही फेंटना है तो ये और ज्यादा गर्म होगा और बैटर गर्म हो जाएगा तो भल्ले एकदम हार्ड बनेंगे, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनेगा। इसलिए मैंने दाल को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख के एकदम ठंडा किया है। दाल को इस तरह से पानी में से निकाल के मिक्सर जार में डाल देंगे। मैंने फ्राई करने का चारा लिया है तो इसमें से पानी निकल जाएगा और ज्यादा पानी दाल में आएगा नहीं। 4 आइस क्यूब लिया है, ये भी अंदर डाल देंगे और इसे ग्राइंड करेंगे। इस तरह से हम रुक रुक के मिक्सर को चलाएंगे। इसमें और 2 आइस क्यूब डाल के ग्राइंड करेंगे। इसे एकदम स्मूथ हो जाए तब तक इसे ग्राइंड किया है और आप देख सकते हैं कि बैटर का कलर भी एकदम व्हाइट दिख रहा है और एकदम फ्लफी हो गया है। एक बाउल में पानी लिया है, इसमें हम थोड़ा सा बैटर डाल के देख लेंगे। आप देख सकते हैं कि बैटर पानी में तैर रहा है। इस तरह का बैटर हमें करना है। इस तरह का बैटर हम हाथ से फेंटते हैं तो 15 से 20 मिनट लग जाता है, लेकिन मिक्सर जार में इस तरह से हम करते हैं तो 5 से 6 मिनट में बैटर बनके रेडी हो जाता है। तेल गरम करने के लिए रख दिया है, तेल को हम थोड़ा गरम कर लेंगे और फिर गैस बंद करके तेल को हमें ठंडा कर लेना है। छोटा छोटा बड़ा तेल में डालेंगे। आप देख सकते हैं कि तेल एकदम ठंडा है, गैस की फ्लेम मैंने एकदम धीमी रखी है। बैटर को मिक्सर जार में ग्राइंड करके रखना नहीं है, तुरंत ही तेल में डाल के इसे फ्राई करना है। आप देख सकते हैं सभी बड़े एकदम से धीरे धीरे फ्राई होके फूल रहे हैं। बड़े जैसे जैसे फूल के बड़े होंगे वैसे अपने आप ही वो साइड चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं अपने आप ही ये कैसे पलट रहा है। जो बड़ा अपने आप फ्लिप नहीं होगा इसे हम इस तरह से फ्लिप कर देंगे। हमने छोटे छोटे बड़े डाले थे, कितने बड़े हो गए हैं। अभी हम फ्लेम को थोड़ा सा लो टू मीडियम पे रखेंगे, थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक मैंने इसे फ्राई कर दिया है। ये हो गया है तो इसे निकाल देंगे। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। सारे बड़े मैंने बना के रख दिए हैं और आपको मैं एक दिखाऊंगी। अब देख सकते हैं ये कैसा पिचक रहा है, अंदर से एकदम सॉफ्ट बना है और एकदम जालीदार भल्ला बनके रेडी हुआ है। एक बाउल में मैंने रूम टेम्परेचर का पानी लिया है। अगर आप वड़ा को एकदम ठंडा करके फिर पानी में डालेंगे तो उस टाइम पे आपको गुनगुना पानी लेना है। अभी मैं वड़ा इसमें डाल रही हूँ, इसके लिए मैंने रूम टेम्परेचर का लिया है। 1/4 टीस्पून हींग डालेंगे, 1 से 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस तरह से पानी में हींग और नमक डालेंगे तो वड़ा में इसका फ्लेवर आ जाएगा। थोड़ी सी धनिया पत्ती को बारीक काट के डालेंगे। 5 से 6 पुदीने के पत्ते लिए हैं, इसे भी बारीक काट के डालेंगे। इसका फ्लेवर पानी में बहुत अच्छा आएगा। पानी में नमक अच्छे से घुल गया है। अभी मैं इसमें 1/2 वड़ा इसमें डाल रही हूँ, बाकी का वड़ा मैं फ्रिज में रख दूंगी, जब भी चाहिए तभी उसे पानी में डाल के मैं दही में मिक्स करूंगी। इस तरह से पानी में डुबो देंगे, ऊपर ढक्कन लगा देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसे भिगो के रखेंगे। इसे 20 मिनट के लिए भिगो के रखा था
अभी हम इसे पानी में से निचोड़ के निकाल देंगे, एकदम लाइटली प्रेस करके निकालेंगे। बहुत ज्यादा देर तक बल्ला को पानी में भिगो के रखना नहीं है, नहीं तो इस तरह से हम पानी निचोड़ेंगे तभी ये टूट जाएगा। पानी में से निचोड़ने के बाद अपने आप ये अपना शेप ले लेगा। आप देख सकते हैं 500 ग्राम फ्रेश दही लिया है, दही हमें खट्टा नहीं लेना है। इसे मैंने अच्छे से फैट के एकदम स्मूथ बना लिया है। इसमें आधी टीस्पून काला नमक डालेंगे, आधी टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 2 टीस्पून चीनी का पाउडर डालेंगे। इस तरह से थोड़ा जीरा पाउडर, चीनी और काला नमक डालेंगे तो दही में भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। एक डिश में भल्ला रखेंगे, इसके ऊपर दही डालेंगे, खट्टी मीठी खजूर इमली की चटनी डालेंगे, ग्रीन चटनी डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। एक भल्ला मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि ये कितना नरम बना है। आप देख सकते हैं कितने आसानी से फट गया और अंदर कितनी जाली पड़ी है। एकदम नरम भल्ला बनके रेडी हुआ है, एकदम नरम मुलायम और मुंह में जाते ही घुल जाए ऐसा दही भल्ला बनके रेडी हो गया है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करने के लिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।